Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel Recipes by Bangash. आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पिज़्ज़ा नान की रेसिपी. ये बहुत ही ईजी रेसिपी है, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट. ये बहुत ही मज़े के बनते हैं. तो चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ. हमने लिया है एक बाउल, उसमें हमने ऐड किया है ऑल पर्पज फ्लोर यानी मैदा तकरीबन 1.5 कप. और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे व्हीट फ्लोर यानी जो आटा जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो तकरीबन 1/2 कप. उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्चे 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून. और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा पाउडर 1 टीस्पून और ऑरेगानो पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून. और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे. इसमें हम इसी स्टेज में नमक भी ऐड कर देंगे. तो मैं नमक भूल गई थी तो मैं उसे एंड में ऐड कर रही हूँ. आप इसी स्टेज में हसब ज़ायका नमक ऐड कर दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें. उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ईस्ट 1 टीस्पून और दही 1 टेबलस्पून भर के, ऑयल 2 टेबलस्पून. और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हसबे ज़रूरत पानी और इसे अच्छी तरह से गून लेंगे. आटे को ना ज़्यादा सॉफ्ट गूनना है ना ज़्यादा सख्त. तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारा डो है वो अच्छी तरह से बन जाए. और मैं इस स्टेज में इसमें नमक ऐड कर रही हूँ. तो इसे अच्छी तरह से गून लेंगे ताकि जो नमक है वो डो में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए. तो ये जो हमारा आटा है वो अच्छी तरह से गून चुका है. अब हम इसे हाथों की मदद से सेट कर देंगे और इसे कवर कर देंगे और इसे खमीर होने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए ताकि अच्छी तरह से राइस हो जाए. एक घंटे के बाद जो हमारा डो है वो अच्छी तरह से राइस हो चुका है. अब हम हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे ऑयल के साथ और एक प्यासा ले लेंगे और उसे अच्छी तरह से सेट कर देंगे हाथों से ताकि एक बॉल की शक्ल में आ जाए. और उसके बाद हम एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे, उसे भी अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे और जो पेड़ा है उसे अच्छी तरह से हम बेल देंगे हाथों की मदद से. अगर आपको इस तरह से नहीं आता तो आप बेलन की मदद से भी बेल सकते हैं और उसे हम हाथों की मदद से जो है सेट कर देंगे बेकिंग ट्रे में. और उसके बाद हम इसमें होल्स बना लेंगे, वो भी मैं उंगलियों की मदद से हम बना रहे हैं. अगर आपके पास फोक अवेलेबल है या आपको इस तरह से नहीं बनाना आता तो आप फोक की मदद से इस तरह से बना लें. तो उसके बाद हम इसके ऊपर जो है अंडे की जर्दी डाल रहे हैं जिससे जो है नान पे ज़बरदस्त किस्म का कलर आता है. तो इस तरह से अच्छी तरह से सारे नान पे अंडे की जर्दी फैला लेनी है और इस तरह हाथों की उंगलियों की मदद से इसमें होल्स बना लेने हैं. और उसके बाद हम इसके ऊपर जो है चॉप किया हुआ धनिया डाल देंगे और टमाटर के स्लाइस डाल देंगे. और इसके बाद हरी मिर्ची, तो मैंने बड़ी हरी मिर्ची ली हैं, ये पीकी होती है इसलिए. और उसके बाद मैं इसके ऊपर अनियन विंग्स डाल रही हूँ. तो इसे अच्छी तरह से सेट कर देना है नान के ऊपर. और उसके बाद हम इसके ऊपर सफ़ेद तिल छिड़क देंगे और इसे बेक कर देंगे 200 सेंटीग्रेड पे 15 से 20 मिनट के लिए. तो आफ्टर बेकिंग हमारा नान जो है वो अच्छी तरह से बन चुका है. और ये देखें इस पर कितना ज़बरदस्त किस्म का कलर आया है. और ये देखें इसका क्रस्ट भी कितना ज़बरदस्त आया है. तो ये हमारी नान की जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है. उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी. देखने का बहुत बहुत शुक्रिया. अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए. और अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें. अल्लाह पमान.